गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल स्टूडियो राइज। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल स्टूडियो राइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइन, और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? सो हम लोग मास्टरिंग द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई 2020 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस सीरीज़ में हमने एक अच्छी दूरी तय कर ली है। ओके, गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग उज्ज्वल, हितेश, देवशीष, आशू, अंशु गोयल, दीपा सिंह, मिसबह, फातिमा। सो डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने स्पेशल क्लासेस अटेंड किया था, आप में से काफ़ी लोग आए थे, एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस व्हाइल इंटरेक्टिंग विद यू। बट ऑब्वियस आप जानते ही हो कि यहाँ पे उतना इंटरेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि नहीं। सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट टू। आज हम इसके पार्ट टू को पढ़ेंगे। ऑलवेज सम कंसेप्चुअल पार्ट, सम करेंट पार्ट, बोथ पार्ट्स आर लिंक्ड। ओके, हम लिंक करते हुए पढ़ेंगे। फाइन। सो गुड इवनिंग दीपक, शशिभूषण। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अजीत तिवारी, आई हैव टॉट मोर देन 2 lakh students in offline classes, and I'm running my own institute for civil services at New Delhi. My lectures are fused with the memory tricks for long-term retention. आप जानते हो कि मैं always class की environment light रखता हूँ, because this is the way we can increase our efficiency of brain. द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न, जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे आप, ठीक है? सो ऑलवेज इंटरेक्टिव बेस्ड टीचिंग इज हाईली रिक्वायर्ड, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है। आजकल मैं प्लस पे क्लासेस ले रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस माई ज्योग्राफी कोर्स ऑन द प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आप में से कई से लोग ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया है, ठीक है, कि सर प्लस कोर्स और स्टूडियो राइज में क्या डिफरेंस है। सी डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन प्लस कोर्स पीडीएफ यू कैन डाउनलोड, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ऑलवेज इन प्लस कोर्स, जैसे आपने कल स्पेशल क्लास में मुझसे इंटरेक्ट किया था, यू कैन इंटरेक्ट। कंटेंट ऑलवेज देयर, इट इज इन मोर डिटेल, बट ऑब्वियस है, होना भी चाहिए, आप समझ सकते हो बात को, ठीक है? सो मैं इस सेगमेंट के साथ, जैसे मैं कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी खत्म करूंगा, देन आई विल कम विद द ज्योग्राफी कोर्स, जो कि टारगेट करेगा 2020 को। ओके, सो हम 2020 को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फाइन। अगर आपने मेरा सब्सक्रिप्शन किया है तो दिस आर सम ऑफ माय फेलो को एजुकेटर्स, जो कि मेरे साथ साथ ये भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। कई लोगों का मैसेज आया कि सर, कई लोगों ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेल किया है कि अगर मैंने किसी एक एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सपोज मेरा कोड अजीत लाइव यूज़ किया है, तो मेरे साथ साथ ऑल दिस को एजुकेटर्स, 77 प्लस को एजुकेटर्स आर अवेलेबल, और आप जिनसे पसंद है जो टॉपिक आप उनसे पढ़ सकते हो। फॉर 1 year फी इज 40,000, बाई यूजिंग माई कोड अजीत लाइव यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इट विल बी 36,000। फॉर 2 year फी इज 64,000। ये जो 2 year प्रोग्राम है, इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट्स, जितने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, फॉर देम इट इज हाईली बेनिफिशियल, बिकॉज एट अ वेरी नॉमिनल चार्ज। आप देखोगे कि मेरे कोड यूज करने के बाद इट विल ये हो जाएगा आपका 2667 ओनली 2667 रुपीज पर मंथ। और इससे क्या होगा, आप आराम आराम से अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन द प्लस, टेस्ट सीरीज एज वेल, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ये सब आप कर सकते हो। ओके, सो फॉर गेटिंग सब्सक्रिप्शन यू कैन विजिट वेबसाइट एंड फॉर 1 year फी इज 36,000। कब? वाइल यूजिंग माई कोड अजीत लाइव। अजीत लाइव कोड यूज करने से यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। नाउ कम इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स रिवाइज। लेट्स रिवाइज सेगमेंट पे आए। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं लेट्स रिवाइज सेगमेंट की बात करूं तो क्या आपको याद है व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज? 1, 2, 3, 4, 5 मिनिमम 5 नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फाइन, क्या आपको याद है विच ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट अबंडेंट? हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेज आर रिकॉग्नाइज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल? कितनी ग्रीन हाउस गैस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत रिकॉग्नाइज हुई हैं? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट, लो डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, हैबिटेबल टेम्परेचर, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, डीपर रूट सरफेस एरिया, इंक्रीज न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस, drought tolerance, all these are very important factors, positive aspect of greenhouse effect। हमने बात किया था about negative aspect of greenhouse effect, हमने उसके बारे में आपसे बात किया था। फिर कल हमने क्या था, what are primary pollutants, those pollutants which are release in the atmosphere, freshly ejected primary, which undergoes transformation secondary। प्राइमरी कौन? जो फ्रेशली इजेक्ट हो रहा है। सेकेंडरी कौन? विच अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, देन सॉलिड, then liquid, then gaseous, solid, liquid, gaseous, इस तरह की चीजों को बात करेंगे हम। ठीक है, हमने क्लाइमेट चेंज को अच्छे से करा हुआ है। इन प्लस कोर्सेज इट इज इन मोर डिटेल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, अबाउट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, अबाउट द रोल ऑफ INDCs, ये सब हम और डिटेल में करते हैं ऑन द प्लस कोर्सेज विद द प्रॉपर कंटेंट। ठीक है, सो आप देखो व्हाट इज स्मॉग। माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में आप बोलते हो धूम कोहरा। स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोक एंड फॉग, धूम कोहरा। ठीक है, सो स्मॉग इज ऑफ 2 types, ये 2 तरीके का होगा। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक, soot particles, सल्फर डाइऑक्साइड along with fogginess caused by low temperature result in fog। आपको दिख रहा, देखो कैसे दिल्ली के इंडिया गेट पे आपको foggy atmosphere साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है। इट इज ऑफ 2 types। One is classical smog, first is classical smog, and second is photochemical smog। Classical smog and photochemical smog, ये 2 types का होगा। First is classical smog। Classical smog is also called as reducing type of smog, reducing type of smog as it was firstly reported around London, so called as London type of smog. क्लासिकल स्मॉग, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग, लंदन टाइप ऑफ स्मॉग जो सबसे पहले लंदन के आसपास के शहरों में, लंदन के आसपास, लंदन में, ग्लासगो, मैनचेस्टर आसपास के क्षेत्रों में फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑब्जर्व्ड इन लंदन एंड नियर बाई। कब? 1952। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फ्यूरस। जो कोल बेड है, द कोल प्रेजेंट इन द रीजन इज रिच इन सल्फर। उस रीजन में जो कोल प्रेजेंट है उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा है। एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स, जब पूरे रात कोल बर्न होगा, उसकी कंबस्शन होगी, देन मॉर्निंग टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर्स, अर्ली मॉर्निंग टाइम, वी हैव डिस्कस ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर्स, अर्ली मॉर्निंग टाइम when air is still, याद है, then this lead to thermal inversion in troposphere. तो ये thermal inversion troposphere में cause करेगा। This type of smog is formed due to presence of sulfur dioxide, due to coal emissions, vehicle emission, industrial emission, forest and agricultural fires, and high humidity in the air, which combines to form sulfuric acid in fog droplets which deposits on the particles. है ना, जो सल्फर के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में इनके कंबस्टन से रिलीज हो रहे हैं, दे आर डिपोजिटेड। रिपीट करेंगे, दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। द मेजर सोर्स फॉर दैट इज कोल एमिशन, बर्निंग ऑफ कोल, supported by vehicle emission, supported by industrial emission, supported by forest and agricultural fire. My dear students, high humidity in the atmosphere, जो एटमोसफेयर की ह्यूमिडिटी है जब वो अर्ली मॉर्निंग टाइम में कंडेंस हो रहा है, then dear students, it is forming fog. So smog and fog, both of them are combined, दोनों मिल जाएंगे और फिर स्मॉग की फॉर्मेशन होगी। किसकी बात हो रही है? क्लासिकल स्मॉग, और क्या बोलेंगे? लंदन टाइप ऑफ स्मॉग। क्यों? 1952 में यहां देखा गया। ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग। इन दिस स्मॉग व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स? कब ये बनेगा? ड्यूरिंग विंटर्स। कब? अर्ली मॉर्निंग आवर्स। ओके, कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सॉक्स इज द मेन, अलोंग विथ पार्टिकुलेट मैटर्स, सीमेंट डस्ट, मेटेलिक डस्ट, कार्बन सूट एंड अदर्स, ये सब इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। सो स्मॉग फॉर्मेशन इज अकरिंग अराउंड द रीजन। क्लासिकल स्मॉग इक्वल्स टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्लस पार्टिकुलेट्स, सीमेंट डस्ट, कार्बन सूट, ब्लैक कार्बन, मेटेलिक डस्ट प्लस अदर्स। सो अमंग द ऑल, आप इसे याद रखेंगे, यही पूछता है कई बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इट इज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, पार्टिकुलेट, सीमेंट डस्ट, कार्बन सूट, ब्लैक कार्बन, मेटेलिक डस्ट प्लस अदर्स। फोटोकेमिकल स्मॉग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग। अगर क्लासिकल स्मॉग इज रिड्यूसिंग, इट इज ऑक्सीडाइजिंग। इफ क्लासिकल स्मॉग इज लंदन टाइप ऑफ, इट वाज, सबसे पहले कहां देखा गया? लॉस एंजलिस, 1950। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। आप दोनों की तुलना कर लोगे, कंपैरिजन कर लोगे। लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मॉग, माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इंडिया में भी पॉसिबल है। ठीक है, कब पॉसिबल है? ओके, वेरी गुड इवनिंग नवीन, प्रीति, अंजनप्पा, प्रीति राजपूत, प्रीति तिवारी, फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, These primary pollutants are undergoing transformation. And then, my dear students, what is happening? As a result, as it undergoes transformation, photochemical reactions are occurring. Volatile organic carbon, PAN, PAN, PBN, एल्डिहाइड्स, इस तरह के कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन होगी। और कितने बार ऐसा हो रहा है, आपके अपने शहर में भी गर्मी के मौसम में दोपहर के समय लंबे जाम में आप फंस रहे हो, ठीक है, लंबे जाम में फंस रहे हो, और फिर आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स कि कैसे उस लंबे जाम में आपके आंखों में जलन, गले में खुजली सी हो रही है, आंखों से आंखें लाल लाल हो रही हैं, बेचैनी से हो रही है। इट इज ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, दैट इज PCS। हैव अ लुक। इट अकर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अराउंड लॉस एंजेलिस, मोस्ट प्रोमिनेंटली इन द अर्बन एरियाज that have large number of automobiles. It does not require any smoke or fog. So this term is misnomer. But कितनी बार ऐसा होता है कि किसी का नाम है वीर बहादुर और वो डरपोक नंबर वन है, आप उसे मिसनॉर्मर बोल रहे हो। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द फोटोकेमिकल स्मॉग इज केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, nitrogen, volatile organic compounds VOCs in the atmosphere, which leaves airborne particles and the ground level ozone. आइए summarize करते हैं। Hello dear students, hello प्रमोद, आशु, okay रोहित, आदित्य। My dear students, oxidizing smog PCS, reducing smog classical smog. Classical is London type, classical is rich in SOx. classical के पास particulate matters VOCs नहीं है। PCS के पास oxidizing, Los Angeles 1950s, VOCs PAN, PBN, peroxyacylate nitrate। जरा इस बात को और देखें। सी हाउ दिस फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्मिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड विजिबिलिटी। कैसे ये रिड्यूस्ड विजिबिलिटी कॉज कर रहा है। PCS इक्वल्स टू नॉक्स, अगर वहां पे सल्फर के ऑक्साइड थे, यहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। PAN वेरी इंपॉर्टेंट, यही करेगा आंखों में जलन, इरिटेशन। PBN पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, बेंजीन, टोल्यूइन, H2O2, एल्डिहाइड्स एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे आप बोलते हो बैड ओजोन, जिसे आप बोलते हो टॉक्सिक ओजोन, जिसे आप बोलते हो निगेटिव ओजोन, निगेटिव ओजोन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करूं, सो फोटोकेमिकल स्मॉग लॉस एंजल्स टाइप ऑफ स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स स्क्रीन पर देखें। NOx, पैन, PBN, VOCs, H2O2, एल्डिहाइड्स प्लस ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। These are important components. These are important components of PCS, photochemical smog. Now come on impact. Impact of smog. आप smog के impact पे आए। It causes first Tokyo Yokohama asthma. Tokyo Yokohama asthma, नाम से समझ में आ रहा है। जापान में टोक्यो के पास योकोहामा में पहली बार देखा हुआ अस्थमा, कब? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। किस में? इन अमेरिकन आर्मी living in smoggy atmosphere of Japan. My students, American army living in smoggy atmosphere of Japan. First of all, this Tokyo Yokohama asthma was observed. जितनी एयर पोल्यूशन होंगी, जितना स्मॉग होगा, दिस विल कॉज एस्थमा, एस्थमा, दिस विल कॉज एम्फिज्मा. एम्फिज्मा में लंग्स की एल्वियोलाई जो गैसेस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दिस गैसेस एक्सचेंज में जो एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, माय स्टूडेंट्स, They are destroyed. In this, my students, अगर आप देखोगे तो यहां पे this pan is responsible for irritation in eyes, in nose, in throat. Very important. This ozone, negative ozone, is greenhouse gas. Greenhouse gas याद आया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ग्रीनहाउस गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर एब्जॉर्बेंस, शॉर्ट वेव्स या लॉन्ग वेव्स. दिस ग्रीनहाउस गैसेस जब तक ये प्रेजेंट होंगी, दे विल कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड माय स्टूडेंट्स, जब ये ओजोन रिएक्ट करेगी क्लोरोफिल के साथ, तो ये क्लोरोफिल की कराएगी फोटो ऑक्सीडेशन. माय स्टूडेंट्स, जब क्लोरोफिल की होगी फोटो ऑक्सीडेशन, नाउ क्लोरोफिल बिकम्स अनेबल टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट. और जब क्लोरोफिल विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, देन माय स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स. जब ओजोन कराएगी क्लोरोफिल की फोटो ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, देन माय स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोडक्टिविटी विल ड्रॉप डाउन, घट जाएगी प्रोडक्टिविटी. सोच देखो आप, एक तरफ जब ये SOx, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, सल्फर के ऑक्साइड्स कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग का या क्लासिकल स्मॉग का. हुज कंपोनेंट इज SOx, फोटोकेमिकल स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग. हुज कंपोनेंट इज SOx. जब ये SOx जो कि क्लासिकल स्मॉग का कंपोनेंट है, जबकि NOx फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट है, फाइन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक ये ड्राई फॉर्म में होंगी, लोअर एटमॉस्फेयर में होंगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बेंस ऑफ लॉन्ग वेव्स एंड दे कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन दिस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन आर मिक्स विथ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, जब ये SOx और NOx एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, दिस विल कॉज रेन और एसिड रेन. एसिड रेन कॉज करेगा कौन? SOx और NOx, सल्फ्यूरिक एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड रेन. और जब ये अपर एयर एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन से ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, इन स्ट्रेटो वेयर गुड ओजोन, पॉजिटिव ओजोन, प्रोटेक्टिव ओजोन, ओजोनो बंडल इज प्रेजेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, देन दिस SOx, NOx, दे विल कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन. प्लस कोर्सेज में हम अच्छे से पढ़ेंगे. सी यू गाइज देयर. व्हाट आर द थ्योरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, प्लस कोर्सेज में डिटेल में पढ़ेंगे हम अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइपोथेसिस, सल्फेट हाइपोथेसिस एंड रोल ऑफ पोलर वॉर्टेक्स इन ओजोन डिप्लीशन. ओके, सो सी यू गाइस सून, एज पॉसिबल आप एनरोल करा लें, सब्सक्रिप्शन करा लें और वहां पे आप अपने डाउट और क्वेरीज को 1-to-1 पूछें। गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, फुल फ्लेज प्रिपरेशन करेंगे आप। यहाँ पे क्लासेस को देखेंगे, डाउट क्वेरीज को वहाँ और डिटेल में सॉल्व करेंगे। इंट्रैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सी, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो हमने याद कर लिया कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अगर मैं टोक्यो योकोहामा एस्तमा की बात करूं, सो इन अमेरिकन आर्मी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार एस्तमा और एम्फिज्मा की बात करूं, नेगेटिव ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहा है, SOx, NOx ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहा है, और जब ये एटमोस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिक्स हो रहा है इट कॉजेस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेन। व्हेन दे एंटर्स इनटू स्ट्रैटो देयर दे कॉजेस ओजोन डिप्लीशन। ओके, तो ये ओजोन डिप्लीशन कॉज कर रहा है। फाइन, आगे बढ़ेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018। हम 18 का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी इट विल बी 2020, क्योंकि इट इज बाईएनियल रिपोर्ट। 2 साल में रिपोर्ट एक बार आएगी, तो जब आगे 2020 की रिपोर्ट आ जाएगी तो देन आई विल अपडेट द 2020 रिपोर्ट एज वेल। ओके, क्वेश्चन इज कौन इसे पब्लिश करता है। सी ऑन द स्क्रीन, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अलोंग विथ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कैसी रिपोर्ट है? बाईएनियल। ओके, कौन पब्लिश कर रहा है? येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अलोंग विथ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कितनी कंट्रीज रैंक हो रही है? 180 कंट्रीज। कितने इंडिकेटर? 24 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हाउ मेनी कैटेगरीज? 10 कैटेगरीज। कौन कौन सी? एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी। क्या आपको याद है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? क्या आपको याद है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? क्या आपको याद है हु गेव द टर्म इकोसिस्टम? क्या आपको याद है इंडियन सवाना किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी सक्सेशन या सेकेंडरी, ऑटोजेनिक या एलोजेनिक। आइए बातों को और बढ़ाते हैं। सी, अराउंड 16 to 17 लाख डेथ एनुअल इन इंडिया इज ड्यू टू पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। वो पार्टिकल्स जिनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, माइक्रोन से कम है, दे आर कॉल्ड PM 2.5। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस PM 2.5 आर वेरी वेरी हार्मफुल। ओके, वेरी वेरी हार्मफुल। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपसे बात की थी रूल ऑफ 1000। क्या आपको रूल ऑफ 1000 याद है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इट इज अबाउट इंडोर पॉल्यूशन और इट इज अबाउट आउटडोर पॉल्यूशन। रूल ऑफ 1000 किसके रिगार्डिंग है? इंडोर पॉल्यूशन या आउटडोर पॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग है? ओके, सो 16 to 17 लाख डेथ एनुअल इन इंडिया इज ड्यू टू PM 2.5। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो आइए इनके रैंक्स को देखते हैं हम। स्विट्जरलैंड नंबर 1, फ्रांस नंबर 2, डेनमार्क नंबर 3। टॉप 3 देख लो आप। इंडिया की रैंक इज 177। आपको जान के दुख होगा कि पाकिस्तान, चाइना आपसे काफी ऊपर है। दैट मीन्स दे आर हैविंग गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, सोच देखो आप, 180 में वी आर ऑक्यूपाइंग द बॉटम पोजीशन ऑफ 177। इट इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न माय डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही चिंता का विषय है। यस, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। रूल ऑफ 1000 इज अबाउट इंडोर पोल्यूशन। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। नाउ कम ऑन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 WAQR 2018, ठीक। The IQ Air Visual 2018 World Air Quality Report was published in collaboration with the Greenpeace, very well-renowned NGO. The main objective behind the report was to measure the presence of fine particulate matter, that is PM 2.5. बहुत ही परेशान कर रहा हम लोगों को PM 2.5, चूंकि ये फाइन है। It can pass through alveoli, it can pass through lungs, and ये आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज कर रहा है। So my dear students, अगर मैं PM 2.5 की बात करूं तो इसके रिगार्डिंग आपके पास वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 है। हैव अ लुक कैसे PM 2.5 पार्टिकल्स पार्टिकुलेट मैटर they are causing threat to the atmosphere, atmosphere whose origin is endogenous. अगर आप WAQR वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 के रिपोर्ट को देखें, सी कितने दुख की बात है कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इज गुरुग्राम, ठीक है। गाजियाबाद सेकेंड नंबर, पाकिस्तान का फैसलाबाद थर्ड, फिर फरीदाबाद इंडिया, भिवाड़ी, नोएडा, पटना, होतान चाइना, लखनऊ, लाहौर। क्या देख पा रहे हो आप? टॉप 10 में इंडिया का 1 2 3 4 5 6 7। Great matter of concern, my dear students. Out of 10, top 10, 7 worst cities we are having on the basis of PM 2.5, वो particulate matter जिसकी size इनसे कम है। The report is based on study of 3,000 cities. Said that 64% of the cities, सोचिए देखो आप कितनी चिंता की बात है, 64% of the cities exceeded the WHO's annual exposure guideline for PM 2.5. है ना चिंता की बात कि जो 3000 जिन शहरों की स्टडी हुई उसमें से 64% गाइडलाइन को, नॉर्म को एक्सीड कर रहे हैं। अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं तो 99% ऑफ द सिटीज एक्सीड्स WHO's सेफ स्टैंडर्ड एक्सपोजर, क्या है वो, 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एनुअली। मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही चिंता की बात है कि जहां 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर एनुअल का एक्सपोजर लिमिट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, साउथ एशिया के 99% और जिन 3000 सिटीज की स्टडी हुई उनका 64% ऑफ द सिटीज आर एक्सीडिंग WHO नॉर्म्स। ग्रेट कंसर्न, बहुत ही चिंता का विषय है। ऑफ द 10 सिटीज ऑफ द हाईएस्ट पॉल्यूशन, 7 are in India, while 1 is in China and 2 are in Pakistan. See, so India, China and Pakistan. China ने काफी improvement करी है in air quality. I will come on that. Okay? और इस कदर काफी damage हमने साउथ एशिया में हमने काफी अपने एयर को डैमेज किया है। इंडियाज गुरुग्राम लेड द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, भिवाड़ी इन द टॉप 6 वर्स्ट अफेक्टेड सिटी। दिल्ली पूरे वर्ल्ड में रैंक एट 11 पोजीशन, बट अगर मैं वर्ल्ड कैपिटल की बात करूं, सी, so India makes इंडिया मेक्स, और किसी अगर कंट्री कैपिटल की बात करूं तो वी आर ऑन द टॉप अमॉन्ग द 30 मोस्ट पोल्यूटेड। इंडिया के पास 22 सिटीज हैं, 5 इन चाइना, 2 इन पाकिस्तान एंड 1 इन बांग्लादेश। मैं आपके दुख को दोस्तों समझ सकता हूं। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम सब अपने एयर क्वालिटी को लेके अवेयर हो जाएं। ठीक, हम लोग अपने एयर क्वालिटी को लेके अवेयर हो जाएं, समझ जाएं और अपनी परफॉर्मेंस दें, अपनी हम अपने लेवल पे सर्विसेज दें। ठीक, दिल्ली वाज रैंक्ड एज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, ढाका एट द सेकेंड एंड काबुल एट द थर्ड पोजीशन। ठीक, China made a remarkable improvement since 2013। बहुत ध्यान सुनना, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कब मनाते हो आप। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज डिक्लेयर्ड ऑन 5 जून। इट इज बिकॉज ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कारण वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हो आप। ओके, जो 5 जून 1972 को स्टार्ट हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम नामक लोकेशन पे। एवरी ईयर वी आर हैविंग अ डिफरेंट थीम। फॉर 2018 आप तब तक सोचो, मैं टॉपिक पे आऊंगा व्हाट वाज द थीम एंड कौन था होस्ट कंट्री। फॉर 2019 नाउ लिसन, व्हाई चाइना वाज द होस्ट कंट्री। फॉर 2019 थीम वाज एयर पोल्यूशन। आप इस बात को समझें, चाइना मेड अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट सिंस 2013 एज कंट्रीज पोल्यूशन लेवल हैव गॉन डाउन बाय 40%। इन 2013 जहां पे आज इंडिया का गुरुग्राम है, बीजिंग वाज rank 1, now Beijing because of excellent performance in monitoring the air quality, Beijing सोचिए आप 13 पे जो worst polluted था अब वो 122nd rank पे आ गया। इसीलिए China became the host country with the theme air pollution for 2019. Okay, have a look. In South Asia, out of 20 most polluted cities in the world, 18 are in India, Pakistan and Bangladesh. Okay, in Southeast Asia, Jakarta and Hanoi are most polluted cities. What are the measures to improve air quality? Improving public transport, लिमिटिंग द नंबर ऑफ पॉल्यूटिंग व्हीकल्स ऑन द रोड, टैक्स हाई कर दो। यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम इंडिया। इंट्रोड्यूसिंग लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, भारत 6 नॉर्म। BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस है? वाई वी हैव स्किप्ड BS5 नॉर्म्स, इट विल कम इन द अपकमिंग क्लासेस। स्ट्रिक्ट एमिशन रेगुलेशंस, improved efficiency for thermal power plants, use करना fly as utilization, fly as utilization, moving from diesel generators to rooftop solar। आपके पास इस तरह के नेशनल सोलर मिशन है, आपके पास उजाला योजना है, आपके पास उज्ज्वला योजना है, आपके पास एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सोचना है कितने आपके पास और गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसी हैं। थिंक ऑफ इट इन अपकमिंग क्लासेस। आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द पॉलिसीज इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। क्या ग्रीन मफलर का इसमें रोल है या नहीं, इस बात को आप सोचें। ओके, इंक्रीज यूज ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या है आपका क्लीन एनर्जी का टारगेट रिमूविंग डस्ट फ्रॉम द रोड्स, रेगुलेटिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड स्टॉपिंग स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ ग्रेट कंसर्न, चिंता का मुद्दा है स्टबल बर्निंग। इस स्टबल बर्निंग के कारण दोस्तों हमारे डेली एनसीआर में जो ऑलरेडी ट्रैफिक के थ्रू एमिशन हाई था, विंटर्स में जब एयर डेंसर हो जा रही है, एयर की मोबिलिटी कम हो जा रही है, तो बट ऑब्वियस इस कंडीशन में अगर आसपास के स्टेट से अगर स्टबल बर्निंग हुई और पॉल्यूटेंट्स की एंट्रेंस हुई, दिस पॉल्यूटेंट विल कॉज मोर थ्रेट मोर डैमेज। सो बैन ऑन स्टबल बर्निंग। क्या करें हम? यूज करें हैप्पी सीडर्स, क्या करें? यूज करें रोटावेटर्स, बिकॉज दोस्तों स्टबल बर्निंग इज वेरी फॉल्टी मेथड। किसान क्या कर रहा है? फसल काट रहा है और उसके रेसिड्यू में, क्रॉप रेसिड्यू में आग लगा दे रहा है। कल आपको दिखाया था मैंने कैसे उस आग लगने से सॉयल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉयल के बैक्टीरिया, फंजाई की डेथ हो जा रही है एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम हो जा रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो इस बात को कि हाउ दिस स्टबल बर्निंग इज हार्मफुल फॉर देम ऑल्सो, और वो सॉयल की न्यूट्रिएंट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए दे आर एडिंग मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। टुमारो विल डिस्कस इन बायो मैग्निफिकेशन, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज की भी इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस सिंगल क्लासेस। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, हम समझने वाले हैं कि कैसे ये स्टबल बर्निंग हमारे बॉडी में नंबर ऑफ डिजीज के जेनेसिस के लिए, अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, स्टॉपिंग बायोमास बर्निंग, हम बायोडीजल को प्रमोट करें। इन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर डिटेल ऑन प्लस कोर्सेस, कौन कौन से 4 मिशंस उसमें एडेड हैं। अमंग द 4, 1 इज वेस्ट टू एनर्जी मिशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट टू एनर्जी को जब हम प्रमोट करेंगे, but obvious it is going to minimize the burning of agricultural waste. जब उसकी कुछ economic value होगी, so but obvious it is going to reduce stubble burning. NCAP, National Clean Air Program. My dear students, this is first ever effort in the country to frame a national framework for air quality management with a time bound reduction target. पहली बार ऐसा कुछ बात किया गया, first time ऐसा कुछ बात किया गया, first ever effort in India to frame a national framework for air quality management with a time bound reduction target which is highly required. 2017 से 24 के बीच में टारगेट वाज टू रिड्यूस 20 to 30% ऑफ PM 2.5 एंड PM 10 कंसंट्रेशन। आई एम रिपीटिंग पॉइंट गाइस, टारगेट इज टू रिड्यूस 20 to 30% ऑफ PM 2.5 एंड PM 10 बिटवीन 2017 एंड 2024। पहली बार इस तरह की स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड हमारे चीजों को किया गया। इट्स एम इज टू अचीव अ नेशनल लेवल टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन ऑफ PM 2.5 एंड PM 10 कंसंट्रेशन बिटवीन 2017 एंड 2024. My dear students, the program will not be notified under Environmental Protection Act or any other act to create a firm mandate with a strong legal backup for the cities and regions to implement NCAP in a time-bound manner for effective reduction. मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, क्या आपको क्लासिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स याद आ रहे हैं? क्या फोटोकेमिकल स्मॉग्स के कंपोनेंट याद आ रहे? यस नो? व्हाट इज एम्फिज्मा? इंडोर पोल्यूशन मोर हार्मफुल किया था हमने। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में क्या पोजीशन दिल्ली की है? ठीक है, क्या आप इस बात को EPI 2018 के रिपोर्ट को रिकॉल कर पा रहे हो? आउट ऑफ 180 कंट्रीज व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? विच कंट्रीज आर ऑक्यूपाइंग 1, 2 and 3 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रैंक्स? ओके डिस्टेंस सी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम guidelines for indoor air pollution. Indoor air pollution is very harmful. Public participation very important. Awareness very important. But obvious, जब तक किसी प्रोग्राम में, किसी पॉलिसी में, किसी मूवमेंट में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगी my students, it can be never successful. सो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज हाईली रिक्वायर्ड. ओके, इस बात को और समझते हैं. द प्लान इंक्लूड्स 102 non-attainment सिटीज अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच वेर आइडेंटिफाइड बाई CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन है? आर दोज विच हैव बीन कंसिस्टेंटली शोइंग poor air quality than the national ambient air quality standard. कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता. अगर आप इन लोकेशन से बिलोंग करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स इमोशनल नहीं होंगे. मुजफ्फरपुर एंड मुंबई. इट ऑल्सो प्रपोजेस स्टेट लेवल प्लान ऑफ ई मोबिलिटी in the two-wheeler sector, rapid augmentation of changing infrastructure, stringent implementation of BS VI norms. BS VI norms के लागू होने से गाड़ियों की कीमत तो बढ़ी, तेल कंपनियों पे दबाव तो बढ़ा, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे प्रेशर तो बढ़ा, but obvious in due course of time हमारी air quality is going to be fine. So, boosting public transportation system and adoption of third-party audit for polluting industry. So, these actions are highly required. Highly required. Have a look on the screen. Point number 1 on the map. Some important locations are shown on the map. 102 cities under National Clean Air Program. कंसर्न आप जानते हो, हमें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी एयर में पोल्यूशन होगी शॉर्ट टर्म में वो लंग्स को डैमेज करेंगी, लॉन्ग टर्म में दे में कॉज स्ट्रोक एज वेल, लाइफ कम हो जाएंगी. सो इट इज वेरी हार्मफुल, इट इज वेरी हार्मफुल. सी, our lungs need a clean air action plan, highly required. ये आपका right to life है. in long term stroke, lungs cancer, respiratory conditions, heart, cardiovascular disease reduce life expectancy. in short term asthma, coughing, sneezing, wheezing, breath की problem. बट ऑब्वियस यही लॉन्ग टर्म में जाके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी थ्रेट कॉज कर रही है. व्हाट इज थर्मल इन्वर्जन? व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन? और क्यों विंटर्स में इस टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण, व्हाई? बिकॉज ऑफ थर्मल इन्वर्जन द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन बिकम्स मोर सीवियर. और सीवियर हो रहा है प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन. हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन. दिस इज नॉर्मल. अर्थ सरफेस है, ट्रोपोस्फेयर है. इन ट्रोपोस्फेयर विथ इंक्रीज इन हाइट temperature decreases. Have a look. In troposphere, with increase in height, temperature decreases. So normally warmer air mass is at the base और normal lapse rate के कारण colder air mass is present aloft. ऊपर की जो air mass है ठंडी है और warmer air mass नीचे है. Why? Because Earth's surface is behaving as a heat source. Earth's surface emits long waves back radiations. So warmer air mass नीचे, colder air mass ऊपर. और फिर क्या देख रहे हो आप? In stratosphere, ozonosphere is responsible for increase in temperature, and temperature increases with increase in height. So warm air mass नीचे, cold air mass ऊपर. This is normal situation in tropo. जब उल्टा हो जाए, long winters, long night, still air, पूरी long greenhouse gases ऊपर जा रही है, तो क्या हो रहा है? Long waves emit हो रही हैं, तो warmer air ऊपर आ चुका है और ground के पास cooler air है. This imparts instability. This opposite pattern is thermal inversion. Reversal of the normal behavior of the temperature. क्या हो रहा है इसमें? Cool air at the surface and warmer air above, just opposite to the normal. Important role in determining cloud formation, precipitation and visibility. This inversion acts as a cap on upward movement of the air from the layers below. As a result, convection produced by the heating of the air from below is limited to level below the inversion, and diffusion of dust, smoke and other air pollution is likewise limited. जब inversion की problem आती है, air still होता है, Delhi एक gas chamber बन जाती है. And problem of air pollution becomes severe. ठीक है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है. हमने बात किया था आपसे कि thickness of ozonosphere is measured in terms of Dobson unit. कैसे यहां पे नेक्रेस क्लाउड आपने देखा था और यहां पे आपने नेक्रेस आपने यहां देखा था और यहां पे आपने Noctilutin clouds, so nacreous in the strato and nocti in the meso. My dear students, हम कल वाली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्बन हीट आइलैंड, उसका इफेक्ट, अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इन मोर डिटेल, अबाउट ग्रीन क्रैकर्स क्या होती हैं, ठीक, कौन कौन से कलर्स क्रैकर्स में कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू इम्पार्ट होती हैं, इस बात को हम समझने वाले हैं. व्हाट इज वायु, इस बात की बात करेंगे. अबाउट जीको 2019 रिपोर्ट, व्हाट इज द की फाइंडिंग्स, इंडिया फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम टू कॉम्बैट पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन. आप देख पा रहे हो, इंडियन आर्मी इंस्टॉल्स एयर क्वालिटी मॉनिटर एट फोर्ट विलियम्स. सो माय स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि कल वाली क्लास में हम इसके साथ साथ और कंसेप्चुअल टॉपिक्स, सो इन अपकमिंग क्लासेस मोर करेंट एंड मोर कंसेप्चुअल, बोथ टॉपिक्स आर लिंक्ड टुगेदर. माय डियर स्टूडेंट्स, योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट. ठीक, ऑलवेज दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी टू वर्क मोर एंड मोर हार्ड फॉर यू गाइज. कल मैं और कंसेप्चुअल टॉपिक्स और करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स दोनों को साथ साथ मैं लेकर आऊंगा. ठीक, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो, अजीत तिवारी @ecology1 इज माई फेसबुक पेज. फॉर गेटिंग प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड अजीत लाइव. जितने लोगों ने अभी तक प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट एज सून एज पॉसिबल. to have more इंट्रैक्शन, मोर डिटेल बट ऑब्वियस, इन मोर डिटेल वहां पे आप पढ़ते हो, ठीक है, जो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं हो पाती हैं, दैट ऑल्सो यू आर गेटिंग नंबर ऑफ टॉपिक्स एक्स्ट्रा इन मोर डिटेल एंड ऑल पीडीएफ्स यू कैन डाउनलोड. सारे टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू गाइज ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म एज वेल as soon as possible. You are doing very great, you are having huge potential, and all undergraduates are most welcome for